अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ चुगताई और साइंस स्टूडियो में आप सबको करते हैं खुशामदीद, जहां आपको मिलते हैं इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऑनेस्ट रिव्यूज और बहुत कुछ। रात को बेड से उतरते वक्त अगर आपको स्लीपर नहीं मिलते और फिर स्लीपर तो मिल जाते हैं मगर रेस्ट रूम जाते जाते ठोकर लग जाती है और फिर सनी प्लास अलमारी में ढूंढते वक्त टामक टोयां मारनी पड़ती हैं, तो ऐसे सब मसलों का एक ही सलूशन है और वो है नाइट लाइट। क्योंकि हर वक्त हर दफा बड़ी लाइट ऑन करने का ऑप्शन नहीं होता मगर नाइट लाइट के काफी ज्यादा ऑप्शन है, तो आपको कौन सी खरीदनी चाहिए? तो बहुत से ऑप्शन में से आपके लिए मेजर डिफरेंसेस के साथ तीन मुख्तलिफ किस्म की नाइट लाइट लेकर आए हैं। सबसे पहले है जी मी की मोशन सेंसर नाइट लाइट 2, इसके बाद है मीजिया की रिचार्जेबल नाइट लाइट और यी लाइट की नाइट लाइट जो के प्लग इन वर्जन है। तो इनका रिव्यू और कंपेरिजन करेंगे क्योंकि इनके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, ताकि आप अपनी जरूरत और इनकी कैपेबिलिटी को समझ कर अपना डिसीजन ले सकें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इनको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इनके अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। तो मी मोशन सेंसर लाइट 2 के अंदर आपको एक यूजर मैनुअल, इसके अलावा इसका एक मैग्नेटिक माउंट मिल रहा है और तीन अदर डबल ए सेल दिए गए हैं। इसके बाद रिचार्जेबल वर्जन पे आ जाएं तो आपको इसमें एक अदर यूजर मैनुअल, माइक्रो यूएसबी केबल के साथ नाइट लाइट मिल रही है। इसके बैक साइड पर रिट्रैक्टेबल हुक है जिसको हैंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बैक पर एक मैग्नेटिक प्लेट भी दी गई है। आखिर में प्लग इन वर्जन है जिसमें साथ में सिर्फ आपको यूजर मैनुअल ही मिल रहा है। इनकी बेसिक लुक्स की बात कर ली जाए तो तीनों ही व्हाइट और मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ आती हैं। प्लग इन वेरिएंट सबसे छोटा और लाइट वेट है, इसका वजन 41 ग्राम है। डायमेंशन भी यहाँ मेंशन कर दिए हैं ताकि आप देख सकें। इसके बाद रिचार्जेबल वेरिएंट है जो कि 73 ग्राम के साथ आता है। इसके अंदर 750 mAh की बैटरी दी गई है, इसकी डायमेंशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद मी की ये नाइट लाइट वेरिएंट 2 है जो कि 72 ग्राम के साथ इससे 1 ग्राम कम है, मगर सेल डालने के बाद इसके वजन में 100 ग्राम का तकरीबन इजाफा हो जाता है, तो ये सबसे भारी भी है और इसका साइज भी इन सबसे बड़ा है। तो ये तीनों ही मोशन सेंसर नाइट लाइट है जो कि अंधेरे के अंदर मोशन डिटेक्ट करने पर कुछ देर के लिए ऑन हो जाती है और मजीद किसी किस्म का मोशन ना होने की सूरत में ऑटो ऑफ भी हो जाती हैं। तो तीनों के ऑटो ऑफ होने के टाइम में फर्क है। सेंसर लाइट 2 जो है 15 सेकंड के लिए ऑन रहती है, रिचार्जेबल वेरिएंट 20 सेकंड के लिए ऑन रहती है, जबकि प्लग इन वेरिएंट 30 सेकंड तक ऑन रहती है। इसके अलावा इन तीनों की मोशन डिटेक्शन काफी अच्छी है, मगर प्लग इन वेरिएंट की डिटेक्शन सेंसिटिविटी काफी स्ट्रांग है। अगर कमरे के कोने में आप बैठ जाए और आप हाथ भी हिलाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी, जबकि नाइट लाइट 2 की अच्छी चीज ये है कि ये सिर्फ ह्यूमन मोशन पे ही ऑन होती है। किसी चीज के हिलने पर या इसके सामने बॉल वगैरह फेंके तो ये ऑन नहीं होती, बल्कि ह्यूमन मोशन को डिटेक्ट करती है। इनकी डिटेक्शन रेंज की बात कर लीजिए तो तीनों ही 120 डिग्री फ्रंट पर 5 से 7 मीटर और साइड्स पर 2 से 3 मीटर तक मोशन को डिटेक्ट करती है। मोशन सेंस करके ऑन होने के अलावा कॉन्स्टेंट ऑन का फीचर आपको मोशन सेंसर लाइट 2 के अलावा इन दोनों लाइट्स में मिल रहा है, जबकि मोशन सेंसर लाइट 2 के अंदर आपको ऐसा कोई फीचर नहीं मिल रहा, ना ही इसमें ऑफ करने का बटन दिया गया है। तो अगर आप इसको बंद करना चाहें तो इसके सेल को रिमूव करना पड़ेगा, जिसके लिए इसको आप घुमाकर खोल सकते हैं और वहां ही आपको इसका एक ब्राइटनेस सिलेक्ट करने का बटन मिलेगा, जिससे आप 4 ल्यूमन और 25 ल्यूमन के दरमियान चूज कर सकते हैं और 25 ल्यूमन अच्छा खासा ब्राइट है, ये बाकी दो इसके करीब भी नहीं आती। रिचार्जेबल वेरिएंट के अंदर आपको प्रीसेट 3.5 ल्यूमन ऑटो डिटेक्शन पे मिलते हैं, जबकि मैनुअल ऑन करने पर ये 7 ल्यूमन तक देती है। इसके लिए बटन इसके ऊपर यहाँ पे दिया गया है, जिसके जरिए से आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लग इन वेरिएंट के ल्यूमन्स के हवाले से मुझे डाटा नहीं मिला, मगर मेरे हिसाब से इसकी ब्राइटनेस काफी कम है, ये 1.5 ल्यूमन से ऊपर नहीं देती, तो बहुत अंधेरे में बहुत मध्यम सी रोशनी ही आपको देखने को मिलेगी। मगर इसका फायदा यह है कि आपको चार्जिंग और सेल का खर्चा नहीं पड़ेगा, मगर ये आप ऐसी जगह ही लगा सकते हैं जहां बिजली की आउटलेट या कहना चाहिए यूपीएस के कनेक्शन वाली आउटलेट हो, जबकि बाकी दो में आपको इंस्टॉलेशन की जगह इंतखाब करने में काफी आसानी है। दोनों ही मैग्नेटिक हैं, आपको किसी भी मेटालिक सरफेस पे लगाने में आजादी है। इसके अलावा आप इसको प्लेस भी कर सकते हैं, इसके साथ आपको घुमाने का ऑप्शन भी मिल रहा है, यानी कि इंस्टॉलेशन के बाद भी आप इसको घुमाकर किसी भी रुख पर कर सकते हैं
इसकी बेस या तो मैग्नेटिक सरफेस पे चिपका लें या फिर किसी फ्लैट जगह जैसे टेबल पे रख लें, या आप इसके साथ लगी पीछे डबल टेप की मदद से किसी सरफेस पे चिपका भी सकते हैं। तो बहुत से ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं, लेकिन इसका वजन सेल समेत काफी ज्यादा हो जाता है, तकरीबन 170-180 ग्राम तक। तो चिपकाने में ये कितना अरसा निकालेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही चार्जेबल वर्जन के साथ भी बेस दी गई है, मगर वो फ्लैट है, इसमें आपको 360 घुमाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, मगर इसको भी आप इससे उतार के यूज कर सकते हैं। इसके साथ हैंग करने की ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में वापस इसकी मैग्नेटिक प्लेट पर चिपका सकते हैं। तो आपको इन तमाम की एबिलिटीज और शॉर्टकमिंग्स पता लग रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका इस्तेमाल क्या है और इसमें से आपके लिए कौन सा ऑप्शन मुनासिब रहेगा। वैसे इसके बहुत से इस्तेमाल हो सकते हैं, इसको आप अपने बेड के नीचे लगा सकते हैं, कबर्ड में लगा सकते हैं, स्टोर रूम, बैल्कनी, स्टेयरवे, कॉरिडोर, पोर्च, ऐसी जगह जहां आपने मुख्तसर वक्त के लिए जाना होता है, तो लाइट ऑन करने के झंझट से भी बच जाएंगे और लाइट ऑफ करना भूलने की सूरत में बिजली के जाया होने से भी। तो जैसे ही आप इनकी रेंज से निकलेंगे ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे और आपके दोबारा आने का इंतजार करेंगी, जैसे कि हमें इंतजार रहता है। कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ये वीडियो लाइक करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, तो क्या ही बात है, क्योंकि आपके ये करने में चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन हमारी एक वीडियो पर की गई पूरे हफ्ते की मेहनत वसूल हो जाती है। रोशनी की मौजूदगी में ये लाइट्स ऑफ रहती हैं, अंधेरे में आपको कंफर्टेबल और वार्म लाइट देती हैं। इनके लाइट टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो सेंसर लाइट 2 सबसे वार्म है, जो कि 2800 केल्विन पे चलती है, जबकि रिचार्जेबल वेरिएंट 2700 पर और प्लग इन वेरिएंट 2500 पे चलती है। तो ये तीनों ही किसी ऐप से कनेक्ट नहीं होती है। अगर आपको ऐप से कनेक्टिविटी चाहिए तो इसका एक ब्लूटूथ वर्जन भी आता है। ऐसे ही फिलिप्स की नाइट लाइट आती है, जो कि ऐप से ऐड हो जाती है, या फिर अपनी दूसरी स्मार्ट लाइट्स को मोशन डिटेक्शन पर ऑन करना चाहें तो इसके लिए आपको शाओमी के सेंसर खरीदना होंगे, गेटवे वगैरह लगाना होगा, जिसके बाद आप मुख्तलिफ ऑटोमेशन कर सकेंगे, लेकिन वो एक सेपरेट चीज है। इसकी सिंपल और इजी इंस्टॉलेशन है, जो आप खुद कर सकते हैं बगैर किसी इलेक्ट्रीशियन के, लेकिन ये ख्याल रहे कि आपने किसी ऐसी जगह इंस्टॉल नहीं करना जहां पानी का खतरा हो। ये तीनों ही वाटरप्रूफ नहीं है, ना ही कोई ऐसी जगह हो जहां इनके लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, आगे कोई चीज पड़ी हो तो इनकी डिटेक्शन मुतासिर हो, बल्कि ये आपके आने जाने को आसानी से भांप सके। अब इन तीनों के कंपैरिजन को कंक्लूड करते हैं। प्लग इन वर्जन मुझे कम लाइट की वजह से पसंद नहीं आया, इसको बहुत मध्यम रखा गया, हालांकि इसमें तो पावर सोर्स भी डायरेक्ट बिजली है, तो ये प्रोडक्ट मैं इतनी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगरचे इसकी मोशन डिटेक्शन बहुत अच्छी है, और लाइट के तेज होने की बात की जाए तो सबसे ज्यादा नंबर मैं इसको दूंगा, मी मोशन सेंसर लाइट 2 को, सबसे ज्यादा ब्राइट है। और आपको ऑप्शन भी मिल रहा है कि अगर आपको कम लाइट चाहिए तो आप एडजस्ट कर लें। इसके अंदर सिर्फ कमी है एक कांस्टेंट ऑन और ऑफ बटन की, थोड़ा भारी होने की वजह से डबल टेप के फेलियर के चांसेस भी हैं, लेकिन मेटल सर्फेस पे और फ्लैट सर्फेस पे आराम से चल जाएगी। सेकेंड नंबर पे ये रिचार्जेबल वर्जन है, जिसकी अच्छी चीज ये है कि इसमें आपको कांस्टेंट ऑन का फीचर मिल रहा है, सेल का खर्चा नहीं है, चार्ज कर सकते हैं, और लाइट वेट होने की वजह से डबल टेप पर ये ज्यादा अरसा तक आराम से चल सकती है, और मैग्नेटिक होने के साथ साथ इसमें हैंग का फीचर भी दिया गया है, तो ये चीज मुझे इसकी पसंद आई। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इनमें से कौन सी लाइट पसंद आई। मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, साइनिंग ऑफ, साइन।